एक बात है, मैंने अपना फर्स्ट क्लास में भयंकर सोया, फील आ गया यार। देखो यार, फर्स्ट एसी में तो सोने का मजा आया ना, इट्स लाइक कहीं नहीं मिलने वाला। फ्रॉम न्यू दिल्ली, क्या हाल चाल भाई साहब? आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 1 2 3 1 4। स्माइल देखे समझ में आ रहा है, सियालदह राजधानी मेरा फेवरेट राजधानी है और फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप गाली का बौछार करो कि मैं हावड़ा राजधानी क्यों नहीं किया। दो रीज़न था, सियालदह के पास बहुत अच्छा ऑंकर है आज 524। आई होप ये स्वैप ना करे उसको, स्वैप ऐसे करते रहते हैं पर नहीं। लोको स्वैप मतलब क्या होता है, जैसे जो हावड़ा राजधानी जो हावड़ा से दिल्ली आती है वो जो लेकर लोको लेके आती है वो भी हावड़ा का रहता है, सियालदह जो लोको लाता है वो भी हावड़ा कर रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, लोको स्वैप कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो सियालदह लेकर आया था वो हावड़ा को दे देते हैं, जो हावड़ा लेकर आया था वो सियालदह को देते हैं। ये टेक्निकल चीज़ हो गया, कभी कभार होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता है। तो मैंने सियालदह इसीलिए लिया क्योंकि ये जो लोको लेकर आया बहुत तगड़ा होमकर है, इसके लिए मैंने हालांकि कुछ लाइक वाइक नहीं मांगा था। आप चाहो तो कर देना, मैं सोच रहा था दो पार्ट में बनाऊँ क्योंकि दो पार्ट में बनाऊँगा तो पैसे बहुत आएंगे ना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है यार। बाकी आप लोग के ऊपर, आप लोग चाहोगे भाई तो क्या नहीं हो जाए, दबा के लाइक कर दो यार, और क्या बोले, ठको लाइक वाला हाल है। नहीं यार, जो भी हो अच्छा लगे तो करना। 1 2 3 1 4 यहाँ से 4:30 बजे खुलती है 13 नंबर, और इसका 13 नंबर फिक्स है। इसमें 2 टायर में भी सीट अवेलेबल था, 6 6 टो। मैं सोचा 2 टायर ले ले तो बहुत पैसे बचता, 1000 रुपया बचता, मतलब वो पड़ता 4200 का 2 टायर फुल डायनेमिक के साथ, और ये पड़ता मुझे 5250 रुपीज़ का। तो महंगा है ये, सोच रहे थे पर कल लिए, चलो बताओ यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, इसके बाद थोड़ी हर समय करने वाला है। ये मेरा किस्मत है भाई, 805 आ गया सियालदह राजधानी के साथ। चलो यार, अच्छा हॉकिंग का सपना सपना ही रह गया। सो भैया यही है फर्स्ट एसी 2018 का कोच है। चलो एटलीस्ट ये है कि उन्होंने कुछ फोटो फ्रेम्स लगाया है, एक मिरर है, कॉलिंग बेल है, ये कूप होता है, इसको हम लोग खूब कहते हैं, ये दो लोगों के लिए ही होता है, तो इसमें आप दो लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको कैबिन मिलेगा, कैबिन में आपको दिखाता हूँ, वहीं बैठेंगे। 16 नंबर सीट है मेरा और सीट नंबर आपको यहाँ लिखा होगा 13 14, इसको लोअर बोलते हैं, अपर इसमें मिडिल नहीं होता भाई, जस्ट लाइक 2 टायर बस, इसमें साइड में कोई सीट नहीं होता, एक पैसेज है और क्या, जैसे यहाँ पे सब रखा हुआ है। एंड हियर वी गो, हम लोग इसमें बैठ के विराजमान होंगे, क्वाइट गुड। ये मेरे को ख़राब मिला है, लोगों को मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है ये 805 भाई, सही बता रहा हूँ। हावड़ा राजधानी में भी मिला था, यहाँ पे भी मिला। तो रांची राजधानी निकल गई अपने प्लेटफॉर्म नंबर 12 संख्या से, अरे 14 नंबर से, सॉरी हम लोग 13 पे, वो 14 नंबर है, इसको बोलते हैं केबिन। इसमें 4 लोग का सीट होता है, लोअर लोअर अपर अपर, ठीक है। इसमें भी अलग आदमी हो सकते हैं यहाँ पे, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या दो लोग ट्रैवल कर, तो हो सकता है कि आपको और आपको जो दूसरे लोगों उनको ये सीट मिल जाए, या हो सकता है कि लोअर लोअर मिल जाए। जो 2 सीट फाका है कैबिन में या जो भी सीट फाका है उसमें कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 2 लोग बुक कर लिया कैबिन तो सिर्फ आप लोग लीजिएगा। अगर आपको कैबिन चाहिए तो आपको 4 टिकट बुक करना होगा, 4 लोग ट्रैवल भी करने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पैसे बहुत है, आपने 4 अलग नाम से बुक कर लिया और अकेला ट्रैवल करे गेट लॉक करके, टीटी साहब उसको कर देंगे एब्सेंट और सीट कर देंगे किसी और को अलॉट। देखो ये आपको ब्लैंकेट मिल रहा है, देखो यार इसमें दाग लगा हुआ है, प्रॉब्ली किसी ने खाना खा के लगा दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये स्पीकर के लिए, अगर आपको अनाउंसमेंट नहीं सुनना है तो आप बंद कर दीजिए, अगर अनाउंसमेंट का साउंड बेसी रखना है तो आप इसको बढ़ा दीजिए, जैसे मैंने 3 पे रख दिया। ये बहुत बुरा लगा, ये कैसे नीचे आ गया यार सियालदह में, ये सब जबकि नहीं आता सियालदह में, बहुत ख़राब लगा मुझे देख के। और ये देखिए ये गेट है, यहाँ से अगर आपने इसको ये किया तो ये हो गई बंद, और यहाँ से आपने इसको कर दिया लॉक, फिर कोई खोल नहीं पाएगा, और यहाँ से आपने कर दिया ऊपर से पूरा बंद, तो ये भाई साहब पूरा बंद हो गया पूरा। मैंने क्यों कहा कि ये जो घर जैसा नहीं है, क्योंकि ये है, यहाँ से एक वेंट है
एयर सरपास करने के लिए, तो आप समझ गया यहाँ से अगर मैं चिल्लाऊंगा तो बाहर कोई सुन पाएगा। ये जो एक होता है ना यूट्यूब में भाई साहब की वीडियो चलाने के लिए बोलना है हनीमून कपल, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज चलो खुल गया। चलो डन। वो जो दिख रही है वो आपको है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 9 नंबर पे खड़ी है 39179 हावड़ा लोकोमोटिव के साथ। यार किया क्या न्यू दिल्ली 524 के साथ, इसको भी नहीं दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हम लोग को मिल गया इवनिंग स्नैक्स और हम लोग आनंद विहार अभी क्रॉस करने वाले हैं। चलो ठीक है, ये देखो बेड रोल है सबको मिलता है, टिकट में ही इंक्लूडेड हो जाता समझ जाइए। और एक टॉवल है पूरा, देखिए ये अच्छा लगा, टॉवल बहुत हद तक साफ़ है। दूसरा चीज़ ये बेड सीट है और एक बेड सीट है, इसमें 100 रूम है। अगर आपको नहाना है तो आप मुझसे टॉवल मांगे वो आपको टॉवल ले देंगे। अब हालांकि मैं घर जा रहा हूँ, मैं क्यों ना हो यार, मतलब फर्स्ट इसी में नहा जा रहा हूँ तो नहाना जरूरी है क्या? नहीं ना, क्योंकि घर जा रहा हूँ, जाने मालूम है, जो भी हो मेरा प्रॉब्लम हटाओ। आपको नहाना है आप टॉवल लीजिए, वो टॉवल ले लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, टॉवल लीजिए मस्त गीजर चालू कीजिए नहाइए। तो मैं नहा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, मुझे नहाने की ज़रूरत है पर मैं बता रहा हूँ। शावर रूम बोलते हैं इसको, यहाँ पे टैप है, यहाँ पे गीजर है और आप यहाँ आ सकते, गीजर ऑन करने का ऑप्शन है। लिक्विड सोप है, हालांकि जरूरत में ये मुझे नहीं लगता, अगर आपको लिक्विड सोप की जगह होता तो बाथ सोप दीजिए बेस्ट होगा, ये मेरा सजेशन है। तो ये टोटली डिफरेंट होगा अगर बाथ सोप देना शुरू किया इन्होंने तो शावर में, जो कि बहुत बहुत अलग होगा, हटके होगा। और ये नीचे साफ सुथरा एकदम है, ये मुझे अच्छा लगता है, नीचे स्टाफ से अल्लाह का बहुत हद तक एक्टिव रहता है। इवनिंग स्नैक्स में क्या है, यहाँ पे एक सोन पापड़ी है, बीकाजी का पतीसा क्लासिक, ये अच्छा होता है काफी। तो यहाँ पे हम लोग को एक कप दिया गया और प्लेट है, बोलते हैं ना भाई क्लास के लिए। यहाँ पर है सिंघाड़ा, मैं गलत नहीं हूँ तो सिंघाड़ा सॉल्टेड आलमंड्स, इसको हम लोग इसको मैं खाऊंगा नहीं, इसको घर लेके चला जाऊंगा। भाई सब होते हैं ना भाई मिडिल क्लास पीपल्स। एक और प्लेट है, उस प्लेट में क्या, ये सैंडविच है, एक है आपको आसाम गोल्ड है प्रीमियम क्लास, या आसाम टी बोलते हैं, महंगा है। नोवा का नॉर्मल है, एटलीस्ट क्रीम डेयरी दे सकते थे पर ज़्यादा लालची करेंगे नहीं, जो है भी उसी में खुश रहना चाहिए। शुगर सैचेट है, माउथ फ्रेशनर है, केचप है, आराम से निकलना भाई, हल्ला मत। यही सब है आपको फर्स्ट एसी का इवनिंग स्नैक्स।
आप देख सकते हो 6 बजने वाली है अभी। एक बार आके साफ करके गए, कुछ नहीं था, साफ ही सुथरा था, फिर भी करके गए तो ये अच्छा लगा। यहाँ डस्टबिन है, मैंने दिखाया नहीं आपको, बाद में सब भूल जाऊँ। पानी मिला है, पानी के साथ ये कप मिला है जो हमको लगेगा नहीं, और ऊपर वाला दोनों अभी फाका है कानपुर से। देखो यार एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, जो पहले के राजधानी के फर्स्ट क्लास में मिला करता था और अभी में नहीं मिलता है। पहला तो एक रोज, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अभी कर रहे हो तो अभी तो मिलता नहीं है, बहुत कम राजधानियाँ में मिला करता है। रोज़ एक आपको मिल जाता है वेलकम जो। हम लोग अलीगढ़ में स्लो हो गए हैं, क्या हुआ यार। सूप पेंट्री कार में बना हुआ, मेरे सामने नॉर वॉर मिला है नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रेड स्टिक है, बटर है, पेपर है, सॉल्ट है, और बस ये इसका है। तो इसको इसमें डुबाते हैं, साफ सुथरा है एकदम। सूप पी के आपको बताता हूँ कैसा है, वो सब चीज़ में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया है कि जो सूप होता है, क्या वो वेज होता है कि नॉन वेज होता है, तो एक्चुअली ये वेज होता है, उसमें ऑप्शन नहीं होता है नॉन वेज सूप का, वो वेज ही सर्व करता है। मुझे जहाँ तक याद है लगभग 500 के आसपास था कैटरिंग सर्विसेज। अगर आप ये पे करते हैं तो आपको खाना मिलेगा, अगर नहीं पे कीजिएगा तो आपका 5250 में से लगभग के लगभग कैटरिंग चार्जेस वाला जो अमाउंट दिख रहा है लेस हो जाएगा, वो पैसे आपके बच जाएंगे। अब सपोज मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप कानपुर से बोर्ड कर रहे हैं तो आप में सूप का पैसा और डिनर का पैसा इंक्लूडेड नहीं रहेगा, सिर्फ ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग टी रहेगा। अगर आप मुगल साई से बोर्ड करते हैं सेम, आपको ब्रेकफास्ट का और टी का पैसा लगेगा उसमें। गया से बोर्ड करते हैं सेम होगा, अरे धनबाद से बोर्ड कर रहे हैं सेम रहेगा, आसनसोल से आपको मॉर्निंग टी नहीं मिलेगा, और दुर्गापुर से भी आपको मॉर्निंग टी नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलेगा दोनों जगह से। Thank you.
ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा है, मतलब कॉन्टिनेंटल है। कई लोग इसको इसलिए नहीं खाते क्योंकि बहुत कम होता है, पेट नहीं भरता कई लोगों का, पर मेरा क्या ही प्रॉब्लम है। टोटल में देखो दो चिकन है, साइज देखो अच्छा ही है खाई। यहाँ पे आपको बॉयल वेजिटेबल्स है, मतलब कैरोट है, फिर आपको बीन्स है, यहाँ पे मैक्रोनी है, पास्ता बोलो या मैक्रोनी बोलो आपका इच्छा, पास्ता डिफरेंट होता है नो बट जो भी इच्छा, ब्राउन ब्रेड है और बस ये केचप है और ये बटर है, यहाँ पेपर है, दो सॉल्ट है, एक माउथ वाश सैनिटाइजर जो मैंने यूज़ कर लिया था, बस एक फॉक एक स्पून है और एक नाइफ है, इससे मर्डर नहीं हो पाएगा। एज ए डेजर्ट में हम लोग को आइसक्रीम मिला बटर स्कॉच मंडे तेरी का। पे खाना कैसा लगा, खाना का रिव्यू भूल गए थे। डिनर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो टेस्ट होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी किसी को खाना बहुत अच्छा खोजता है, कोई कोई खाना कुछ भी मिल जाए एकदम वो हम है लास्ट वाला जो बोला ना वो हम है। भाई देखो मुझे अच्छा लगा, पहले जब दिखा खाना तो मुझे लगा कि यार इतना समय कैसे मेरा पेट भर गया, पूरा खाए पेट भर गया। अब हो सकता है कि आपका ना भरे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको बोलिएगा तो आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। मुझसे पूछा गया कि आपको कुछ लगेगा, मैंने कहा नहीं क्योंकि पेट भर गया था लिटरली। जो ही बोलो आप कि राजधानी में खाना अनलिमिटेड और डिश मांगिए मिल जाए, ये हद तक सही है। सपोज आप किसी के घर जाते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आंटी जो है मतलब आपकी मम्मी जो है वो खाना अच्छा ही बना के खिलाती है। अब उसी में वो मेहमान बोल दे कि भैया हम आज चिकन खाएं, तो भैया चिकन बनेगा घर पे, बता रहा हूँ। अगर आप वेजिटेरियन है ठीक है भैया आज हम मशरूम खाएं, तो आज मशरूम बनेगा घर पे। तो इनका भी सेफ हॉस्पिटैलिटी मैटर्स एंड उसके लिए वो खाना आपको देते हैं। ऑलमोस्ट 9 बजने वाला है, देखो यार ये नीचे साफ कर देना है, इस चीज़ के लिए से अल्लाह को हेड्स ऑफ है। भाई जो पीछे अभी बैकग्राउंड में हॉकिंग आया वो डिब्रूगढ़ राजधानी की है, और क्या बोलूँ भाई साहब, मज़ा आ गया यार, बढ़िया रन था, खाना भी बहुत अच्छा था, साफ सफाई एकदम टॉप नोट था, बाल का तो धजिया हो गया। जो गतिमान है इसका हेयर ड्रेसअप किया ना बाल का मेरा, ये अभी ठीक ही नहीं होने वाला, मतलब हेयर इस तरफ चल जा चुका जस्ट बिकॉज ऑफ विंड, जो विंड था ऐसे गेट पे खड़ा था तो मार रहा था पूरा बाल उधर। H1 बहुत अच्छा लगा, मैं एक पर्सनल सजेशन सियाला को दूंगा, आपको बहुत जरूरत है हाथ लगाने का ट्रेन के ऊपर, ऐसे आप नहीं लगाएगा तो राजधानी का इज्जत खत्म है। देखिए सियाला नहीं दिल्ली बंगाली वाला बॉडी गायब है। कुछ चीज़ें जो रेलवे को मैं चाहूंगा कि रेलवे ध्यान दे, अनाउंसमेंट बंगाली में भी होना चाहिए। देखिए आप बंगाली में जब अनाउंसमेंट करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी को वीक कर रहे हैं, आप इसका मतलब ये कि आप हिंदी भी है उसमें बंगाली को भी आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 9:12 पे इसका अराइवल था, 917 पे डिपार्चर है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और राजधानी इसी पे आया करता है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 यहीं पे आएगा, यहीं से डिपार्ट करता है। ये गाड़ी 4:30 बजे नई दिल्ली से चलती है, 1-2-3-1-4 जो है, और अगले दिन आप 10:10 पे होंगे सियालदह। बहुत अच्छा टाइमिंग लेता है ये भाई, सही बता रहा हूँ, इसको आप खराब नहीं बोल सकते, मुझे बोलता हूँ कि अच्छा है ये। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या बताइए, तो इसमें अभी फिलहाल एक और 2 टायर लगाया गया, अब टोटल 4 है। 1-2-3-1-4 में सबसे आगे 2 टायर है, यानी A4 A3 A2 A1 और उसके बाद डेट H1 है, उसके बाद फिर पीछे चल जाओ तो भाई B14 से लेके पूरा B1 तक है, और ये बीच में पेंट्री कार है जो फर्स्ट एसी के लिए इसमें खाना बनता है। अब चलो गाड़ी का कानपुर से निकलती है तो ही मिलते हैं। 5-5-4 मिस कर रहा हूँ, बैंग ऑन टाइम गाड़ी निकल गई प्लेटफॉर्म से।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम गया जंक्शन। क्या सॉलिड रन दिया भाई, क्या सॉलिड रन था, मज़ा आ गया। और जो अभी पैंटर्स पार्क दिखे ना, एक बात है, मैंने अपना फर्स्ट क्लास में भयंकर सोया, फील आ गया यार। देखो यार फर्स्ट एसी में जो सोने का मजा आया ना, इट्स लाइक कहीं नहीं मिलने वाला। घर में मिल सकता है, घर का बेड बहुत बड़ा होता है, वो अलग बात है, पर पर्सनली फील की ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। इस पर्टिकुलर लोका से कहीं ना कहीं से सर लो टोन यूज़ कर रहे थे, काइंड ऑफ विसेल वाला साउंड कर रहा था, बहुत बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया था। अभी तो ये है नॉर्मल हॉकिंग इसका। दो मिनट का ही हॉल्ट है यहाँ पे, 3:45 पर लेवल और 3:47 पर टिपर, तो हम लोग यहाँ 6-7 मिनट लेट है। मेरे को नहीं मालूम है कितना कैमरा जस्टिफाई किया पैंटोस पार्क पर, बहुत सॉलिड बोलते ना पैंटोस पार्क हुआ था यार उस तरफ में, मज़ा आ गया गुरारू में। और रफीगंज वाला ब्रिज, ओ भाई वो जब 130 पे लेता हूँ ना, मतलब ऐसा टेंशन होता है कि वही ब्रिज है।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम पानागर प्रॉब्लम मनकर। मैं भाई दोबारा सोया बढ़िया से एकदम। अब जो आज का दिन का सारा काम है मैं पूरा आराम से कर लूँगा। और हम लोग को ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है। टाइम देखो 8 बजे भाई। रात को एक चीज़ बहुत अजीब लगा यार। वैसे मैं देख रहा था ये मालूम नहीं शायद प्रॉब्लम ECR में काम चलता है। यदुदुई जो था ना वहाँ पे, यदुदुई ऐसा कर जगह था वहाँ पे गाड़ी रोका ऑलमोस्ट 2 मिनट के आसपास, फिर निकला उसके बाद फिर रोका जा रहा था। तो ECR में दबा कर काम चल रहा है। प्रॉब्लम जानते सब मेरे मैंने नोटिस किया सब काम सबवे का चल रहा है। तो अच्छा है गवर्नमेंट सब अंडर पास बना रहा है मतलब लेवल क्रॉसिंग हटा के। पर ऑनेस्टली बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल में कैटल रन ओवर एकदम ना के बराबर होता है, ना ही के बराबर। इस तरफ मैं बहुत कम ही सुना हूँ कि कोई कैटल रन ओवर हुआ। अलग अलग कई लोग के इस पर बात रहते हैं पर मैंने यहाँ पे एकदम ना के बराबर सुना है। मतलब ये ट्रेन कौन कौन सा हॉल्ट से गुजर रहा है, सबसे पहला तो कल कानपुर था जो आपने देखा था, देन उसके बाद मुगलसराय था। रात को हम लोग निकले हैं वहाँ से 1:30 बजे के आसपास। गया था गया मैंने कवर खरीद लिया था, नींद खुल गया था उस समय बाई गॉड। और फिर उसके बाद तो आपको धनबाद था, आउट में आसनसोल था, एंड देन दुर्गापुर था। तो चलो भाई फटाफट इसको कम्प्लीट करते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपको क्या मिलता है? ये मिल्क था, ये कॉर्नफ्लेक्स था, अभी कटलेट लेके आएंगे वो वेज में। मैं सुबह उठा ना यार, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मेरा रिएक्शन बहुत वियर्ड था। मैं उठा, मैं UPSC की जगह इसको UPSC पढ़ा था और चश्मा मैंने पहना नहीं था। मैं बोला UPSC, मैं एकदम चश्मा फट से पहना, बोला हुआ क्या ये? फिर देखा तो अच्छी UPSC इंडिया लिखा हुआ है। मैं बोला यार ओ गॉड, इससे मुझे इतना हंसी आ रहा था। मिल्क है, कॉर्नफ्लेक्स था, फिर ब्राउन ब्रेड है, फिर वेरका का बटर है, अगेन वापस से जैम है, फिर केचप है, सॉल्ट है, पेपर है, फिर यहाँ पे कटलेट्स के लिए स्पून है, फॉक है, थैंक यू। और ये है आपको हम लोग का वेज में कटलेट वेज के साथ में। अजीब लगा मुझे बस जेते ही, पर इस पर नहीं है कोई बात नहीं। कई लोगों में डाउट रहता है कि ये बैंडेल वाली मेन लाइन कहाँ से अलग होती है। शक्तिगढ़ के बाद एक लाइन आप देखिएगा टुवर्ड्स आपके लेफ्ट निकल जा रही है, यही वो लाइन है जो चली जाएगी आपको हावड़ा की ओर जाएगी वाया बैंडेल। तो ये बहुत स्लो है, ये 130 परमिसेबल है। जिसे मैं जा रहा हूँ वो वाली आपको 110 है मैक्स टू मैक्स बैंडल, आफ्टर बैंडल वो 100 हो जाएगी। इसीलिए उसमें जाने से ऑलमोस्ट 2.5 घंटे, इसमें आप राजधानी के लिए मैक्स टू मैक्स कितना बोल सकते हो 1.5 घंटा। का गाड़ी अभी बेगमपुर से निकला है क्रॉल करके, अब दानकुनी से पहले देखते गाड़ी 130 उठाएंगे LP साहब, हम होते तो नहीं उठाते क्योंकि आप तो वॉइस स्लो करना ही है दानकुनी के बाद। टाटा मोटर
एलपी से आप उठा तो रहे बढ़िया। अरे यार लवली लवली, अब इसे ज़्यादा नहीं उठाएंगे, मेरे को नहीं लगता 130 मारने वाले। गोबरा आ ही गया है, क्या ही मारेंगे 130। और डानकुनी में हार्ट ब्रेकिंग का सपना छोड़ दो यार, बस 110 पे ही चलेगा प्रॉब्लम। मैच्योरिटी है क्योंकि 130 उठाने का फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि आगे तो स्लो करना हम लोग को। फिर भी उठा रहे एलपी साहब, बेस्ट ग्रेट, बेस्ट ग्रेट। चलो एक और वीडियो लेते हैं 117-18 का। ये सियाला का वॉशरूम है, एकदम एंड ऑफ द जर्नी, साफ सफाई एकदम टॉप क्लास। दूसरा चीज़ मेरा साफ है, लिक्विड सोप जो है भरा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये वॉशरूम स्मेल करने के लिए होता होता। ये सीट पेपर है, टॉयलेट सीट पेपर, जो आपको हर ट्रेन में ऐसा दिखेगा वेस्टर्न टॉयलेट के अंदर, पर उसमें ये पेपर नहीं रहता है, टिशू पेपर है यहाँ पे। और ये है टॉयलेट हाइजीन स्टेटस। मैं क्या करूँगा, छोड़ो हटाओ यार, मैं पढ़ के थोड़ी आपको बताऊँगा, बाकी सब वही है। बस यही है कि प्लस पुराना टाइप वाला है जो लोग करते नहीं है। हम लोग अभी बालानगर क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी रुक गया था यहाँ पे, अभी यहाँ रुका तो डमदम में भी रुकेगा, आप क्या ही बोले। धीरे 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 दमदम अप्रोच कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है दमदम में बहुत देर रुका जाएगा हम लोग को, क्योंकि जैसा ये चल रहा है ना। अरे यार दमदम का हाल बहुत बुरा है, वो कभी वहाँ पे गाड़ी को ऑन टाइम रहने नहीं देते, अदरवाइज गाड़ी बहुत बिफोर रहता है। और एक चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप जैसे सपोज़ में बुक करें फर्स्ट क्लास में, टोटल मान लीजिए दिल्ली से अगर सियाला के बीच में टोटल 12 सीट है, एकदम स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, आप बुक करिएगा तो जैसे 3 टायर और 2 टायर में क्या होता है कि अगर टिकट बुक करते हैं आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है, इसमें नहीं होता, इसमें आफ्टर चार्ट होता है। तो अगर 12, 10, 8 इस पे आसपास बुक करें, मतलब 12 सीट्स वैकेंट है या 10 या 8, तो उसके आसपास अगर आप बुक कर रहे हैं, आप कूप देते हैं तो आपको कूप मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। रेलवे को प्रेफरेंस देता है, जो फर्स्ट में रहता है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलता है। अब सपोज़ वो 12 लोग जो बुक किए हैं, उन्होंने किसी ने ये प्रेफरेंस नहीं दिया कि मेरे को कूप चाहिए, किसी ने दिया, सपोज़ आपने मार दिया मुझे कूप चाहिए वेटिंग वन के साथ, तो वो आपको भी प्रेफरेंस देगा पहले, क्योंकि आपने कूप मांगा है। तो ये चीज़ मैटर करता है, आप काउंटर से टिकट लीजिए, वहाँ पे भी ऑप्शन में फिलअप कीजिए, मिल जाता है, नहीं मिला तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, कैबिन भी अच्छा ही है। पर ये मिथ को तोड़िए, जो चलता है ना यूट्यूब में बहुत ताबड़तोड़, ऐसा कुछ नहीं होता है यार, घर घर होता है, ट्रेन ट्रेन होता है। ये है कंट्रोलिंग, देखो भाई आगे लोकल दिख रहा है क्या इसकी, ये रही भाई साहब डानकुनी लोकल, क्या बवाल कंट्रोलिंग है उसका। और जगह स्टॉप हॉल्ट है, उसको रोका नहीं गया 5 मिनट 10 मिनट, और इसको ब्रेक हो गया सर। अब ये जब तक टर्न आउट लेगा उसके बाद तो हम लोग को इंस्टेंट सिग्नल मिलने वाला है नहीं। मैं जितना मेमोरी लेफ्ट है, मुझे समझ में आ गया कि मैं दबा के बकबक किया हूँ, बहुत काटपीट करना पड़ेगा। हम लोग आ चुके हैं सियाला, गाड़ी डिले है लगभग के लगभग 5 मिनट, लगभग नहीं पूरा 5 मिनट, 10-10 पे अराइवल था, सब सामान ले लिए कुछ किया नहीं प्रोबेबली। इफ माय फीडबैक मैटर्स, मैं उम्मीद करूंगा सियाला से ठीक है। OVHS स्टाफ बहुत अच्छा एक्टिव थे, खाना बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सियाला डिवीज़न से, खास करके CDO साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि सियाला में थोड़ा सा हेर फेर कीजिए, बढ़िया कीजिए, ट्रेन बोर्ड जो गायब हो रहा है उसको मेंटेन करवाइए, कोचेस को थोड़ा बाहर से साफ करने का ज़रूरत है और मरम्मत का ज़रूरत है। आप देखो यार कहीं बोलेंगे तेजस के लिए, हाँ तेजस तो बोल सकते हो, मतलब हावड़ा राजधानी जो वाया पटना वाया गया, हावड़ा डिवीज़न भी यही कर रहा है, नया नया कोच यूज़ कर रहा है, उसके बाद क्या प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर रहा है नया रेक लेके, तो सियाला को भी यही करना चाहिए, नया रेक चेंज कीजिए, पूरा फेड हो चुका है ये 2017 की है। भाई इसमें बहुत पैसे लगे हैं, 2000 लाइक लगा दो, इसका रेवेन्यू तो नहीं बोल सकता हूँ, पर 2000 लाइक होने से क्या होता है कि एल्गो चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा रेवेन्यू आ जाए उस समय तक, मुझे ऐसा उम्मीद है, नहीं भी आया
तो ई एम आई में टिकट ले लेंगे यार, फर्स्ट एसी हावड़ा रस जाने का पक्का। 05 कर सकते हैं या 06, ये दोनों में से कोई एक करेंगे। आप कमेंट करके भी बता देना आपको कौन सा अच्छा लगेगा, वाया पटना अप या वाया पटना डाउन। और ये 800 पास को भाई मेरा यार बन गया, जहाँ जाते वहीं आ जाता है। चलो भाई एंड करते व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। स्टिल यार अच्छा लगा है तो लाइक करना, नहीं मन किया तो मत करो भाई, कमेंट भी मत करो अच्छा नहीं लग रहा है तो। और सब्सक्राइब का भी सेम बोलूंगा। मेरा अपने हिसाब से क्या ये ट्रिप आपने पूरा देख लिया, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरा इस ट्रिप में सबसे बवाल जनी था गतिमान, जस्ट बिकॉज जी भर के टोर प्लेटिंग किया, जी भर के, और इसमें भाई साहब धोखा हो गया। चलो यार जो भी हो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एडियो मेरे को सबा खेल भागा। अरे ये नहीं हो सकता, शराब पीना।